बीजेपी का या सरकार का कह लो जिहड़ा ग्राफ 5 महीने 6 महीने पहला सी अज वो देश दे विच नहीं बचा। जिहड़ा अज 4.5 महीने हो गए अंदोलन चल रहा है तो बढ़ रहा है तो अज पूरे देश दे विच फैल गया है। कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोरोना का ड्रामा खड़ा किया गया है। जिथे इन्हों इलैक्शन लड़ना होंगे, जिथे इन्हों रैलियां करनिया होंगे, उत्थे खूब करते हैं। कोरोना भी राजनीतिक हो गया, जिथे बीजेपी कहेगी उत्थे कोरोना कम करेगा, जिथे बीजेपी नहीं कहेगी उत्थे कोरोना भज जाएगा। पंजाब च लगातार महापंचायतां कीतियां जा रहियां ने, इसे तहत बटाला विखे महापंचायत की गई, जिस तो बाद गुरनाम सिंह चढ़ोनी गुरु नगरी अमृतसर विखे पहुंचे ते दरबार साहब जाके नतमस्तक होए ते किसानी अंदोलन लई गुरु साहिब दा आशीर्वाद लिया। दरबार साहब विखे पहुंचे चढ़ोनी दा सरोपा उपा के सन्मान किया गया। इस दौरान गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने बोलदिया कहा कि किसानी संघर्ष जो अज सिखरां ते पहुंचा होया ए सब बाबे नानक दी कृपा है। अज असी उस मालिक दे दरबार च खड़े हाँ। ये जड़ा अंदोलन है अज जिस स्तर ते पहुंचा होया है ये साड़ी औकात नहीं सी, बंदिया दी औकात नहीं सी। इस अंदोलन ते उस मालिक दी उस परवरदिगार दी विशेष कृपा है, विशेष रहमत है। जड़ा अज 4.5 महीने हो गए अंदोलन चल रहा है तो बढ़ रहा है तो अज पूरे देश दे विच फैल गया है। तो बीजेपी का या सरकार का कह लो जिहड़ा ग्राफ 5 महीने 6 महीने पहला सी अज वो देश दे विच नहीं बचे। अज वो देश दा देश दे विच बीजेपी का ग्राफ डाउन आ गया है। तो पर राजहट है, ये राजहट जिहड़ा है इतिहास आपां चक के देखिए, राजहट जिन्हें भी किया है उसका नतीजा जिहड़ा है वह तबाही के रूप सामने आया है। उन्हें अपना भी नुकसान किया, उन्हें देश का भी नुकसान किया है। भावें आपां पिछले युगां जाके देखिए, भावें महाभारत का इतिहास लईए, भावें रावण का इतिहास लईए, जिन्हें भी राजहट अपनाया है वो जिहड़ा है वह ना देश वास्ते ठीक रहे ना राजा वास्ते ठीक रहे। केंद्र सरकार वालों किसान की धान की हैगी सीधी उन्होंने काउंट पे पाने की गल कही जाती है, ये बारे तुम्हें की लगता है? ये संयुक्त मोर्चे की कोई मंग नहीं सी, ना कदे असी मंग की है। असी इस चीज़ के विरुद्ध हाँ भाई, पेमेंट जी जिस तरह पहला जो ढांचा चल रहा उही चलना चाहिए, क्योंकि पूरे देश का आप आंकलन करिए तो हरियाणा तो पंजाब ढांचा बनया हुआ मंडिया का, तो हरियाणा पंजाब की खेती सब तो ज़्यादा डिवेलप हुई है। क्यों? क्योंकि इतने मंडी का सिस्टम है, इतने सानू खेत की खुराक टाइम नाल मिल जाती है। इतने जिन फसलों का MSP नहीं मिलता उन्हों का उच्चतम रेट बोली के माध्यम तो मिल जाता है। जे ये जड़ा डायरैक्ट पेमेंट की गई है ये मंडी नू तोड़न का पहला स्टैप है। तो दूजा इस वारी उन्होंने हरियाणे शुरू करता भी जोड़े अडानी के साइलर्स ने जोड़े लोहे के गोदाम उन्होंने बनाए ने सीधी उन्होंने चले जाओ बिना आड़ती तो बिना मंडी तो, वो सिस्टम जिथे जिथे इन्हों के गोदाम बन गए ने वो शुरू हो गया है। तो ये जोड़े नवे कानून बनाए ने उन्होंने लागू करने का ही पहला स्टैप। केंद्र सरकार इल्जाम लगा रही है कि किसान जथेबंदी कोरोना नूं वधावा दे रही है। कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोरोना का ड्रामा खड़ा किया गया है। जिथे इन्हों इलैक्शन लड़ना होंगे, जिथे इन्हों रैलियां करनिया होंदिया उत्थे खूब करते हैं। जदों अंदोलन चलता है तो कोरोना पैदा हो जाता है। ये कोरोना भी राजनीतिक हो गया, जिथे बीजेपी कहेगी उत्थे कोरोना कम करेगा, जिथे बीजेपी नहीं कहेगी उत्थे कोरोना भज जाएगा। तो ये कोरोना जिहड़ा है ये राजनीतिक बीमारी है, ना कि शरीरिक बीमारी। कोरोना नाम की कोई चीज़ दुनिया के पैदा नहीं हुई, ये सारा एक अंतरराष्ट्रीय फ्रॉड है। नहीं, असी किसी राजनीतिक पार्टी नेड़े नहीं लगन दे रहे। राजनीतिक पार्टियां इंटर करना चाहदियां ने पर असी किनारे कर रहे हैं। ये जिहड़ा अंदोलन है ये देश के पक्ष च, किसानों के पक्ष च, पूरी जनता के पक्ष च, क्योंकि जिहड़ा भी अन्न खांदा है उन्हों ब्लैकमेल चलनी पेगी। पूरे देश का जिहड़ा भोजन है, पूरे देश की रोटी है, वो चंद लोगों के गोदामों कैद होएगी तो फिर वो अपनी मर्जी नाल ब्लैक करके लोगों को लुट्टणगे। ये साडी लड़ाई है, ये पूरी मानवता की लड़ाई है। तो सारे ये किसान नहीं, सारे वर्ग ये सहयोग कर रहे हैं। लोगों को असी ये संदेश देना चाहेंगे कि भी ये जिहड़ा धर्म युद्ध है ये किसी एक वर्ग का नहीं, किसी एक कौम का नहीं, किसी एक स्टेट का नहीं,
ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚੰਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਤਾਨੇਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।